हाँ, धड़ा को पता चल गया है कि किसने ये सब कांड किया है घर में, किसकी वजह से शिवा और रावी के रिश्ते में दरार आ गई है और कौन है इसके पीछे करता धरता, वो सब धड़ा को पता चल गया है। सो शीज वो है श्वेता और काइंड ऑफ बी अक्यूज्ड बाय शिवा। सो शिवा रावी तो बिछड़ रहे हैं, देवर और भाभी का भी। कैसे हो? वो काकी रावी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी तो सोचा कि मार्केट से उसके लिए जूस लेकर जाती हूँ। आप यहाँ कैसे? अरे मैं तो घर ही जा रही थी श्वेता से मिलने। बीच में पास ही था कुछ सारे। हाँ, धड़ा को पता चल गया है कि किसने ये सब कांड किया है घर में, किसकी वजह से शिवा और रावी के रिश्ते में दरार आ गई है और धड़ा को घर छोड़कर रावी के साथ जाना पड़ा है, और कौन है इसके पीछे करता धरता, वो सब धड़ा को पता चल गया है। सो शी इज़ वेरी हार्ट ब्रोकन। उसे पता चल गया है कि जिसने उसका साथ दिया, जिसने उसको एक चांस दिया, एक मौका दिया अपनी गलती सुधारने का, घर में रहने का, क्रिश के साथ उसकी शादी मतलब रोकना चाहती थी पर रोक नहीं पाई, बट उसकी शादी को एक और चांस दिया। वो है श्वेता और उसे बुरा लग रहा है कि इतना साथ देने के बावजूद भी उसने पंड्या परिवार को कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक तोड़ दिया है। सो अब देखते हैं क्या करती है धरा। फिर हम ये जानना चाहेंगे आपको रास्ते में ऐसा कौन मिला जिससे आपको पता चला कि हाँ जो इस प्लानिंग एंड प्लॉटिंग जो है वो श्वेता का है। सारी कहानी यहीं पर बता दूँ फिर ऑडियंस हमारा शो नहीं देखेगी, मैं नहीं बताऊँगी क्या मिला, क्या ऑन मिला, कैसे पता चला, वो सब आप शो देखिए। यार हम सब इतनी मेहनत कर रहे हैं, आँखों की बैंड बज गई है रो रो कर और सब ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, तो मैं चाहती हूँ कि सब शो देखें बिकॉज आई थिंक एवरीबडी इज़ गोइंग टू बी वेरी अमेज्ड सीइंग दीज ब्यूटीफुल सीन्स। जो धरा है वो रावी है वो घर छोड़कर भी चली गई है, तो कितना कुछ हमें देखने मिलने वाला है कि क्या वो वापस घर किस तरह से जाएंगे। अभी आपको लगता है ज्यादा दिन धरा दूर रह पाएगी गोम्बी से, घर से, परिवार वालों से, माँ से? नहीं, बहुत जल्दी जाएगी एंड शी विल गो विद अ बैंग। जिस जो मान सम्मान उसने खोया है घर में घर से निकलते वक्त, उसी मान सम्मान के साथ वापस जाएगी। ये तो बात हो गई सीन की, अगर ऑफ स्क्रीन की सीन की बात किया जाए तो हमने देखा जो कि जितना ग्लिसरीन आपने यूज किया था, बहुत डिफिकल्ट आपको लग रहा था। माय गॉड, मतलब मुझे लिटरली जो हमारे स्केड्यूलर जी है जीतू भाई, बहुत ही अच्छे इंसान है वो, मुझे पर उनके सामने जाके थोड़े दिन, एक दिन पहले ही जिस दिन कल हमारा गैप था उसके एक दिन पहले शाम को मैंने जाके उन्हें कहा कि जीतू भाई प्लीज़ आज छुट्टी दे दो, कल छुट्टी रख लेना, प्लीज़ यूनिट ऑफ कर दो, मेरे में ताकत नहीं है, अब आंखें ड्राई हो गई है ग्लिसरिन ले के और इतना सुबह से रात तक रो रो के कि अब नहीं हो रहा है मुझसे, एक्टिंग नहीं हो रही है, प्लीज़ एक दिन की छुट्टी दे दो। और लकीली हमारे जीतू भाई ने छुट्टी दी है हमें, कल हम सबका यूनिट ऑफ था, हम सबको ब्रेक मिला है।
बट इतने हैवी सीन्स किए, इतने हैवी सीन्स किए हैं हमने कि मैं तो बहुत यू नो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी दो सीन्स कि अब एडिट के बाद कैसे आ रहे हैं. बट सब ने बहुत मेहनत की और सब ने आँखों में ग्लिसरिन डाल डाल के अपनी आँखें फोड़ी, एक्सेप्ट माँ. वो कभी ग्लिसरिन लेती नहीं, उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है माँ को तो, पर हम बच्चे हमें ग्लिसरिन लेने की ज़रूरत पड़ जाती है. सुबह से लेकर रात तक हम सिर्फ रोए हैं. सब बर्बाद हो गया था एक्चुअली जब पंड्या परिवार टूट रहा है, धरा पहली बार घर छोड़कर जा रही है इस तरीके से. सो इट वाज अ वेरी बिग बिग थिंग फॉर मी, क्योंकि यू नो क्रिएटिव्स का कॉल आना, जब अगर जैसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट सीन होता है तो यूजुअली हमारे क्रिएटिव्स हमें पहले ही फ़ोन करके कह देते हैं कि कल हम ये सीन करने वाले हैं, सो यू बी प्रिपेयर्ड. हमारे पास स्क्रिप्ट आ जाती है काफ़ी बार कि आप प्लीज़ कल ये बड़ा सीन है और ये हम कल शूट करने वाले हैं, तो आप अपने डायलॉग्स वगैरह एकदम प्रॉपर करके आ जाइएगा, सो दैट यू नो उस टाइम पे फिर मूड पकड़ने में ईजी रहेगा. सो जब मुझे क्रिएटिव्स का कॉल आया था इस सीन के लिए, एंड वेर यू नो आर क्रिएटिव्स हैड ब्रीफ्ड मी अबाउट द सीन कि ये है एंड धराज लीविंग द हाउस एंड यू नो एवरीथिंग इज जस्ट गोइंग टू गो लाइक धरा लीविंग एवरीथिंग बिहाइंड एंड मोर देन दैट वेर धरा इज गोइंग टू काइंड ऑफ बी अक्यूज्ड बाय शिवा. सो शिवा रावि तो बिछड़ रहे हैं, देवर और भाभी का भी बीच में दरार आ रही है रिश्ते में, जहाँ पे ही इज गोइंग टू बी वेरी हार्श ऑन धरा एंड ही डिड गो वेरी हार्श ऑन धरा, बट दैट इज समथिंग दैट पुशेस धरा बैक इन टू द हाउस. नाउ लेट्स सी कैसे होता है. कभी खुशी कभी गम की बात की जाए, जैसे कि आपने कहा कि काफी रोने धोने का सीन्स हो रही है, तो हम आने वाले शो में देखेंगे कि क्या परिवार वापस खुशी से मना रहे हैं, खुशी से रह रहे हैं. आई होप खुशी तो ऑफकोर्स आएंगी यार, मतलब जैसे रात आती है तो रात के बाद दिन आता है, वैसे ये भी बुरे दिन है, अच्छे दिन ज़रूर आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे और पंड्या परिवार हंसता खेलता फिर से दिखेगा सभी को. बट उससे पहले बहुत सारा ड्रामा हो रहा है, तो ऑफकोर्स हंसी मजाक चलता रहेगा थोड़ा शो में, क्योंकि हमारी जो रिशिता जी है, हमारे जो क्रिश भैया हैं, वो थोड़ी कॉमेडी करेंगे. वो क्या करेंगे मैं नहीं बताऊँगी एग्जैक्टली, उस घर में क्या होगा वो सब जानने के लिए देखते रहिए पंड्या स्टोर. थैंक यू.